पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की चयन आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। इसमें यहाँ पर जो भर्ती हुए थे कैंडिडेट उनके रिगार्डिंग एक बड़ा मामला आ सामने रखा है, जिनमें अभ्यर्थी फेल होने हो गए हैं। जो पास कैंडिडेट थे एक यूपीएससी निकालने के बाद भी प्रशिक्षण के दौरान फेल हो चुके हैं। चलिए जानते हैं पूरी मामले के बारे में। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन किए गए जो कैंडिडेट थे नायब तहसीलदार पद पर, उनमें से प्रशिक्षण ले रहे 35 अभ्यर्थी, जिनका यहाँ पर जो है बताया गया है प्रशिक्षण के दौरान फेल हो चुके हैं, और 19 मई से यहाँ पर 9 जुलाई को आयोग से चुने तहसीलदार को प्रशिक्षण यहाँ पर हुआ। और इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 का रिजल्ट पास होकर राजस्व पुलिस और यहाँ पर जो भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा है, प्रशिक्षण ले रहे 35 जो नायब तहसीलदार है फेल हो गए हैं। वर्तमान में यहाँ पर बताया गया कि बतौर जो है प्रभारी जो तहसीलदार है जिलों की सेवा दे रहे हैं, और इनसे यहाँ पर ये कहा गया कि गंभीर जो प्रकृति के काम है वो ना करवाए, क्योंकि ये अनट्रेंड है। और इनका बताया गया है कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 4.5 माह का जो कोर्स था, और जिसमें इनके द्वारा जो आचरण और व्यवहार है संतोषजनक नहीं रहा है, चर्चा कक्ष में जो है समय से उपस्थित नहीं हुए हैं, और साथ में ये भी कहा कि ड्रेस कोड का जो है उसका पालन नहीं किया है, और लेक्चर के समय यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और पढ़ाई पढ़ाई के विषय के नोट तैयार नहीं थे। तो सब कुछ जो है इनके अनकम्प्लीट था, और इसी वजह से इनको फेल कर दिया गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है इनसे अनुरोध किया गया है कि वो प्रशिक्षण में असफल सीधी भर्ती के नायब तहसीलदार को पुनः 4.5 माह का जो है प्रशिक्षण कराया जाए, तो फिर से जो है इनको पुनः प्रशिक्षण कराया जाएगा, ताकि उनको ट्रेंड बन सके। अनट्रेंड हो चुके हैं उनको जो है प्रशिक्षण में फेल किए गए हैं, और जो कि लोक सेवा आयोग से चुने गए अभ्यर्थी।